आज हम लोग 13 मई के जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन हो सकते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि कौन सा प्रतिभूति अधिनियम राज्य और राज्य के सहकारी बैंकों पर लागू होंगे, तो वो अधिनियम 2002 है। और दूसरा प्रश्न है कि अफ्रीकी सुअर बुखार किस राज्य के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, तो ये असम में फैला हुआ है। और असम के राज्य के बारे में कुछ और जानेंगे, जैसे कि जो असम राज्य है उसका राजकीय पशु गैंडा है, और कुछ महत्वपूर्ण उद्यान है जो कि काजीरंगा उद्यान है, मानस उद्यान है, और इसके अलावा नमेरी और उरंग उद्यान भी यहीं पर है। अगला प्रश्न है कि पहला स्वदेशी कोविड उपकरण का नाम क्या है, तो वो है जीसीसी बायोटेक। चौथा क्वेश्चन है कि किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, तो वो दीपा मलिक ने की है। दीपा मलिक के बारे में कुछ जानेंगे, जैसे कि पैरालंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरालंपिक है, जिन्होंने 2016 में पदक जीता था। ये शॉटपुट की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सैमसंग ने किसके साथ भागीदारी की है, तो इन्होंने सोफी के साथ भागीदारी की है, और सोफी यह एक अमेरिकी निजी फाइनेंस कंपनी है। इस नंबर प्रश्न है कि भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए किस देश ने अपने एक सड़क का नाम इन्हीं के नाम पर रखा है, तो वो देश है इसराइल। और इसराइल के बारे में कुछ जानेंगे, जैसे कि इसराइल की जो राजधानी है वो यरूशलम है, और इसकी जो मुद्रा है वो इसराइली सिकेल है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस भारतीय शहर के निगम ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है, तो वो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। ये क्या करती है, तो यह कार्यक्रम लोगों के श्वसन स्वास्थ्य प्रक्रिया के बारे में जागरूक करती है। अगला प्रश्न है कि बेटी राइट का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, तो वो गायन क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, और ये किस देश की थी, तो ये मियामी की थी। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को पत्रकारिता में फ्रीडम ऑफ स्पीच का पुरस्कार मिला है, तो वो सिद्धार्थ वरदराजन को मिला है। ड्यूस वेले का फ्रीडम ऑफ स्पीच पुरस्कार 14 देशों के 17 पत्रकारों को मिलता है, जिसमें कि एक सिद्धार्थ वरदराजन को मिला है जो द वायर के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है FIR आपके द्वार ये योजना किस राज्य में शुरू हुआ है, तो यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल लालजी टंडन है। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का किताब किसे मिला है, तो वो बेंगलुरु को मिला है। बेंगलुरु के बारे में, यानी जो बेंगलुरु कर्नाटक में, उसके बारे में कुछ और जानेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो वजूभाई वाला, और यहाँ के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की स्थापना 1899 ईस्वी में हुई थी, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के अध्यक्ष एनेट केनेडी हैं। अगला प्रश्न है कि ओन ऑनलाइन नाम का नया प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो वो महिंद्रा ने लॉन्च किया है, क्योंकि महिंद्रा ने प्लेटफॉर्म ओन ऑनलाइन को अपने ग्राहकों को वाहन की डिलीवरी के चयन में पारदर्शिता, निर्बाधा और संपर्क रहित अनुभव देने के लिए लॉन्च किया है। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।